हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट आशीष में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, यदि आप लोग एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं या आप कोई वेबसाइट वगैरह चलाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि एडसेंस में जो भी इनकम आती है डॉलर के रूप में, उसको यदि हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए हमको गूगल एडसेंस के अंदर सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। तो आज की वीडियो में फाइनली हम आपको बताएंगे कि गूगल एडसेंस के अंदर कैसे बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल टेक्निकल सपोर्ट आशीष को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर कंटिन्यूस लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं कि गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड, सबसे पहले हमको अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। तो चलिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें और यहाँ से फ्रेंड्स हमको टाइप करना है गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस को हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने गूगल एडसेंस जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लिया। तो सबसे पहले इसको थ्री डॉट पर क्लिक करके हम इसको डेस्कटॉप पे कर लेंगे। डेस्कटॉप पे करने के बाद कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको आपकी इनकम वगैरह देखने को मिल जाएगी गूगल एडसेंस में जो भी है। तो यहाँ पे मैं पहले तो इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ आपको थ्री डॉट देखने को मिलेगा। तो थ्री डॉट पर क्लिक करें और पेमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो पेज है वो ओपन हो रहा है। तो देखिए फाइनली यहाँ पे आपका जो पेज है वो ओपन हो चुका है। तो एक तरफ आपको टोटल अर्निंग शो हो रही होगी, दूसरी तरफ ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा होगा और तीसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर एड पेमेंट मेथड, यानी आपको जो गूगल एडसेंस से आपके बैंक अकाउंट को जो लिंक करना है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऐड पेमेंट मेथड। इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे और इस पर प्रेस करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा ऐड ए पेमेंट मेथड। तो आपको मैं इस पेज को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, बेनिफिशरी आईडी, नेम ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर, और इसके बाद यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए मैं इन सब चीज़ों को फिलअप कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल जो है वो फिलअप कर दिया है, नेम ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक का नेम, आईएफएससी, स्विफ्ट कोड वगैरह, अकाउंट, सारी चीज़ को फिलअप कर लिया है। यदि फ्रेंड्स आपको नहीं पता कि आपको स्विफ्ट कोड कैसे पता चलेगा आपके बैंक का, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो ये सब फिलअप करने के बाद आपको नीचे की तरफ सेव का एक ऑप्शन मिलेगा। तो सेव के ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। तो चलिए सेव के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेस चलेगा और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट दिस नंबर, नेम आ रहा है आशीष कुमार सिंह, यानी यहाँ पर जो आपका पेमेंट मेथड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने बैंक अकाउंट को गूगल एडसेंस से लिंक कर सकते हैं घर बैठे आसानी से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।